हरे कृष्ण हरे राम। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य कथाओं में। प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के द्वारा जो दिव्य अनोखा चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, संत श्री रैदास जी का, ये एक ऐसा चरित्र है, ऐसी दिव्य घटनाएं हैं अपने आप में जो हमारे हृदय को परम आनंदित करने के साथ साथ ही एक शिक्षाप्रद दृष्टांत भी प्रस्तुत करती हैं। इसमें भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, अपने भक्त के पास आते हैं, उसे आजकल हम जो माया के बंधनों से बंध जाते हैं, प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट होकर माया देने का प्रयत्न भी करते हैं, अपने भक्त को भक्तों से भी अस्वीकार कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रभु के समक्ष प्रभु के जो अनन्य भक्त होते हैं उनके लिए किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं होता, एकमात्र प्रभु के अतिरिक्त। आइए इस सत्य और मनोहारी घटना को शुरू करने से पहले मैं इनके जन्म के विषय में आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। आचार्य स्वामी श्री रामानंद जी, उनका एक ब्रह्मचारी शिष्य था जो नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था, उसी से वह ठाकुर जी का भोग लगाता था और साधु सेवा उसी से होती थी। परंतु जिस मार्ग से वह आता था उसमें एक बनिए की दुकान पड़ती थी। वह बनिया प्रतिदिन नित्य जब वो इधर से निकल कर के आते थे तो वह उन ब्रह्मचारी जी से कहता था कि आप मेरा भी सीधा सामान लेते जाइए, इसे स्वीकार कीजिए, प्रभु तक पहुँचाइए। इस प्रकार उसने दसियों बार उससे कहा होगा ब्रह्मचारी जी से, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया, वो अस्वीकार ही कर देते थे। एक दिन बड़े जोरों की बारिश हो रही थी, चुटकी मांग कर लाना तो संभव हुआ नहीं। तब उस ब्रह्मचारी ने सोचा आज क्यों ना इस बनिए से ही जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर ली जाएं, तो सीधा सामान वो है उन्हीं से ले लिया, जो बनिए था उसी से। जब आचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग अरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। जब नित्य प्रत भोग लगाते थे तो प्रभु ध्यान में आते थे, परंतु उस दिन जब भोग लगाया गया तो प्रभु ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी जी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लेकर के आए हो? तब उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु आज एक बनिए से। तब श्री स्वामी जी बोले, अच्छा पता लगाओ कि ये कहाँ से सीधा सामान मिला है। तब उन्होंने जब पूछा पता किया तो बनिए ने किसी निम्न वर्ण की पीड़ा से अन्न दिया था, किसी निम्न जाति से वह अन्न आया हुआ था जो प्रभु को समझ। अब वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार रहता था। काशी में रघु नाम का एक चर्मकार था जो चमड़े का कार्य करते हैं, जूते चप्पल बनाने का, वो उसका वह अन्न था। और उसने किस आशय से भेजा था, उसके पुत्र नहीं था तो उसे किसी ने बताया कि यदि तुम्हारा जो सीधा सामान है वह श्री रामानंद जी अपने हाथों से प्रभु को अर्पित करें और तुम्हारी मनोकामना उसमें हो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब ये घटना वहाँ घटित हुई थी। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। विश्वासपूर्वक पुत्र की कामना से उस चर्मकार ने ही बनी। प्यारे भाई बहनों, प्रभु की तो लीला बड़ी विचित्र होती है। अब देखिए, उस चर्मकार का जो भोग था, जो सीधा सामान था, वह जिस प्रकार बताया गया था कि श्री रामानंद आचार्य जी के द्वारा यदि भगवान का भोग लगाया जाता है तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उधर तो अब उसकी ये बात थी, यह भी प्रभु को पूरी करनी थी। अब इधर क्या हुआ, जो ब्रह्मचारी जी थे, जब उनके गुरु को श्री रामानंद आचार्य जी को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ कि चर्मकार का जो है इन्होंने सीधा सामान ला करके दिया, उससे प्रभु का भोग लगाया गया, वह बड़े ही नाराज हुए और नाराज होकर के ब्रह्मचारी शिष्य को स्वामी जी ने बड़ा भारी साप दे दिया। बोले, तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ला करके दी, अतः जाकर अब तू उसी घर में जन्म लेगा। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। संत रैदास महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। जो भी कुछ इनके पास होता था धन, उसका सदुपयोग ये संत सेवा और प्रभु भक्तों की सेवा में
उसका उपयोग किया करती थी। इनका यह आचरण इनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। अब जो संसारी लोग होते हैं उन्हें तो इस तरह से धन का उपयोग करना व्यर्थ ही प्रतीत होता है। अतः इनके पिताजी ने क्या किया, इनको अलग कर दिया घर से, और घर के पीछे जो जमीन थी वह इन्हें रहने के लिए दे दी। वहाँ पर एक वृक्ष था नीम का, वह इसी वृक्ष के नीचे कह दिया, बेटा यहीं पर रहो, यहीं पर अपना जीवन बिताओ। वैसे तो घर में धन बहुत था, धन था, माल था, पर उसमें से इनके पिताजी ने इन्हें कुछ एक कण तक नहीं दिया। इससे रैदास जी और इनकी स्त्री को बड़ा सुखी हुआ। इन लोगों को भगवान पर बड़ा भरोसा था, बहुत विश्वास था। रैदास जी क्या करते, जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते और साधु संतों को पहनाते, और अपनी सेवा से जो कुछ धन इन्होंने स्वयं ही एक छप्पर डाल रखा था जिसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बना लिया था, और उसी में बड़ा सा छप्पर बनाया था, उसी में संतजन भी निवास करते थे और ये स्वयं भी खुले में रहते थे। मजदूरी से जो प्राप्त धन होता था उसी से अतिथियों का सत्कार होता था और बांट कर खा लेते थे। ऐसी इनकी दैनिक जीवनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास के यहाँ पधारे। ऐसे भक्तों के यहाँ जो सब कुछ अपना प्रभु को ही अर्पित करते रहते हैं, प्रभु को बड़ा आनंद आता है उनके साथ रहने में, अपना समय व्यतीत करने में। प्रभु आ गए संत का भक्त का एक वेश बना करके रैदास के यहाँ, और श्री रैदास जी को पारसमढ़ी थी उनके पास, पारसमढ़ी जिससे लोहे को सोना बना दिया जाए, वो लेकर के आए और इन्हें देते हुए बोले रैदास जी को कि लो इसे संभाल कर रखना। अब श्री रैदास जी बोले, प्रभु मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा क्या आस है, मैं इसका क्या करूँगा, मुझे धन संपत्ति की चाह है ही नहीं। मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी नौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा, प्रभु को लगा कि ये शायद जब तक प्रभाव नहीं दिखेगा तब तक ये न इसको लेना चाहे या मन में भावना उत्पन्न न हो लेने की। उन्होंने क्या किया, इनकी एक लोहे की रापी थी जिससे ये जूते वगैरह गांठते थे, बनाते थे चमड़े की, तो उस रापी को उन्होंने प्रभु जी ने उससे छुला दिया, जो पारस मड़ी थी उससे जब छुलाया, छुबाते ही वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से प्रभु बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जहाँ ठाकुर जी का वह भोग वगैरह लगाते थे और जहाँ ठाकुर जी को स्थान बनाया हुआ था। जब इच्छा हो तब आप आना और आकर के इसे निकाल ले जाना। अब जो साधु वेशधारी भगवान थे श्याम सुंदर जी चले गए उसको दे करके। संत रैदास तो बड़े विचित्र थे। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर जब 13 मास व्यतीत हो जाने के बाद पुनः श्री रैदास जी के यहाँ पधारे, तब प्रेम से बोले, और रैदास जी कहिए, पारस का प्रयोग करके क्या क्या सेवा की। श्री रैदास जी बोले, अरे प्रभु आप जहाँ रख गए थे वहीं वह रखा होगा, आप उसे ले लीजिए, मैंने उसका कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए आपकी वह मड़ी सुरक्षित रखी हुई है जो पारस था, उसे आप उठा लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर प्रभु चले गए। अब इसके बाद भगवान ने एक और नई लीला रची, उसे सुनिए। भगवान ने क्या किया, जिस रास्ते से प्रातःकाल श्री रैदास जी ठाकुर की सेवा करने के लिए जाते थे, कीर्तन करते हुए प्रभु का नाम लेते हुए, उस रास्ते पर वह प्रतिदिन 5 मोहरें रख देते थे। अब रैदास जी क्या करते, बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़, जैसे बिच्छू को क्या करते हैं जो डंक न मार दे इसके कारण उसे चिमटे से पकड़ा जाता है, चिमटे से उसके डंक को पकड़ते हैं, और जब डंक पकड़ में आ जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहीं भी फेंकाओ। यही ये करते थे कि कहीं उसका दोष इन्हें न लग जाए जो
मोहरें थी उसका, क्योंकि माया, कुछ लोग होते हैं जो महान संत होते हैं, माया को हाथ से नहीं छूते हैं, देखना पसंद नहीं करते, उसकी चर्चा भी पसंद नहीं करते। यही कार्य इनका था। तो ये चिमटे से उसे बिच्छू की तरह पकड़ के और गंगा जी में डालाया करते थे। प्रतिदिन का यही नियम था इनका, प्रतिदिन इन्हें मिलती थी और प्रतिदिन चिमटे से उठा करके डाल देते थे। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से ही भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना यह हट छोड़ दो और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली और नित्य जो उन्हें मोहरें प्राप्त होती थी उन्हें लेकर के एक नई जगह, बड़ा विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हैं। और उन्हें भी आनंद आता था प्रभु की ही सेवा में, भजन कीर्तन में। और जो संत सेवा चलती थी, संत इकट्ठा होते थे, तो उसमें तो आनंद का वातावरण बनता था, कीर्तन होता था। अब प्रभु ने एक और नई लीला रची। प्रभु जिसका ऐश्वर्य बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो वह पहले, सबसे पहले वह क्या करते हैं, संत महात्माओं के मुख से भी मैंने यह बात सुनी है कि ब्राह्मणों के द्वारा उसका सबसे पहले उसे चैलेंज कराते हैं। इन्होंने यही किया, जो रघुवंशी विभूषित जो ब्राह्मण थे उनके हृदय में यह प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, क्योंकि वह निम्न जाति थे, तो उसे बंद करा दो। तब बहुत से जो ब्राह्मण थे वो एकत्रित होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास को गालियां देते हुए पुकारने लगे। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह तो अन्याय है, इसे रोका जाए। राजा से ये बात कही उन्होंने, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, आपको पाप लगेगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और उनका चमत्कार देखकर न्याय किया। अब श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया गया, क्योंकि उनकी सेवा ऐसी थी कि प्रभु स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए आए थे और हर समय। तो यहाँ यह भी बात समझने योग्य है कि प्रभु किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि कोई उच्च वर्ग का है या ब्राह्मण जाति का है तो उससे प्रभु बिना भक्ति के ही प्रसन्न हो जाएंगे, या कोई निम्न जाति का है तो वह पूजा पाठ करेगा भी, भगवान नाम भी लेगा, तब भी प्रभु प्रसन्न हो, ये ऐसा कर। अच्छा कल्याणकारी तो और कोई मार्ग है नहीं। प्यारे भाई बहनों, ये घटना कोई बहुत अधिक पुरानी तो नहीं है, अब फिर भी 500 वर्ष से अधिक ही गुजर गए होंगे इस वीडियो से पूर्व। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु ने लीला और दिखाई। चित्तौड़ की जो रानी थी उसने क्या, उन्होंने क्या किया, किसी गुरु के द्वारा उन्होंने अपने कान में मंत्र नहीं लिया था, किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली थी, वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सदगुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। अब यह समाचार जब उन्हें पता लगा तो द्वेषवश उनके शरीर में आग लग गई, जलने लगे वो कि निम्न जाति से इन्होंने गुरु दीक्षा ले ली और हमसे दीक्षा नहीं ली। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा कि रैदास को दीक्षा देने का तो अधिकार ही नहीं है राजा साहब, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा कि बुलाने से भगवान जिसके पास चले आएंगे। उस मूर्तिमान प्रभु को बोल रहे थे कि जो मूर्ति थी प्रभु की, वह मूर्ति जो अपनी भक्ति से, भाव से या जैसे भी अपने पास तक बुला लेगा, मंत्रों से चाहे जैसे भी, उसको स्वीकार किया जाएगा। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं आए। इसके पश्चात रैदास जी रचनाएं भी करते थे, पदों की रचना की थी उन्होंने कही। उन्होंने अपनी पद गाया, पतित पावन नाम आज प्रकट की जय। तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। झाली